सर गया मगध जी को, गया जी को आपने रबर डैम दिया और दवा के रूप में लेमन दिया है, स्वास्थ्य के रूप में ये नीला दिया है, लेकिन सर हमारी शिक्षा व्यवस्था मगध यूनिवर्सिटी कब सुधरेगी? यहाँ पर कॉलेज वाला और यूनिवर्सिटी वाला वो स्थिति ठीक नहीं है। ज्ञान की धरती पर ज्ञान की कमी है सर। आपको, आपको पता नहीं है कि गया से मेरा क्या लगाव है? गंभीरता से देखिए, बहुत गंभीर। हाँ, सही कह रहे हैं सर, ठीक नहीं है। पढ़ाई का नहीं होगा, बताइए, हमको तो विकसित तक करना है जी। इतना अच्छा है सेशन का है, लेट क्या हो रहा है? हम तो जाके पूछताछ करेंगे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हैं और जहां पर भी वो जाते हैं भीड़ से एक व्यक्ति मिल जाता है, एक व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को लेकर के नीतीश कुमार के पास पहुंच जाता है और चिल्ला चिल्लाकर अपनी समस्याएं रखता है। कभी नहर में पानी नहीं आने की वजह, कभी सड़कों की स्थितियों को लेकर के नीतीश कुमार पर, और एक बार फिर से नीतीश कुमार के जिस तरीके से वो समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे हुए थे, उनके भीड़ के बीच से एक शख्स यूनिवर्सिटी में सेशन लेट का मामला जो है वो खड़ा कर दिया है। उसने नीतीश कुमार के ऊपर में जबरदस्त तरीके से उनके ही सामने में ये बातें कहते हुए नजर आ रहा है कि सर आप नीरा का आउटलेट खोल रहे हैं, नीरा उत्पादन को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बिहार के स्टूडेंट का भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, उसका क्या? इस पर नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है और नीतीश कुमार ने खुद एक्सेप्ट किया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। और ताजुब की बात यह है कि ये तब उनके पास में कहा गया, इस बात को खुद नीतीश कुमार ने तब स्वीकारा जब उनके ही सरकार में, जब एनडीए की सरकार थी, तब उन समय में विजय चौधरी जो थे वो उस समय शिक्षा मंत्री थे और वो उनके साथ में मौजूद थे। आपको बताया कि बिहार में मगध यूनिवर्सिटी, जेपी यूनिवर्सिटी, तमाम दो तीन ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका सेशन फिलहाल अभी बहुत ही लेट चल रहा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में कल बीते दिनों जब गया में नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे तो वहां पर भीड़ से एक शख्स चिल्लाता हुए पूछता है कि सर आप नीरा का तो आउटलेट खोल रहे हैं लेकिन बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता आपको नहीं है। तो इस पर नीतीश कुमार ने भी अपनी राय रखी और कहा कि वाकई में बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। हम सुनाते हैं जब भीड़ से एक शख्स नीतीश कुमार पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर के अपनी राय रखता है, तब नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। सर मगध जी को, गया जी को आपने रबर डैम दिया और दवा के रूप में लेमन दिया है, स्वास्थ्य के रूप में ये नीला दिया है, लेकिन सर हमारी शिक्षा व्यवस्था मगध यूनिवर्सिटी कब सुधरेगी? हाँ, सुधारने के लिए तो कोशिश कर ही रहे हैं। काफी स्थिति गंभीर है सर, लाखों युवा सड़क पे हैं। यहाँ पर कॉलेज वाला और यूनिवर्सिटी वाला वो स्थिति ठीक नहीं है, वो हमने कहा है, डिपार्टमेंट भी देख रहा है और गवर्नर साहब को भी कहा जा रहा है कि सब जगह देख लीजिए और तेजी से सब काम। हमारे गया जिला की शिक्षा देखिए सर, गया जिला में सर ज्ञान की धरती। अरे काहे भाग रहे हो, गया बोले हम लोग भाग नहीं रहे। अरे आबा आबा इधर आबा, दीपेश जी इधर आबा। ज्ञान की धरती पर ज्ञान की कमी है सर। आपको आपको पता नहीं है कि गया से मेरा क्या लगाव है? सर आप जरा बताइए जी। सर बचपन से मैं, ये सब ऐतिहासिक चीज है ना जी, तो अगर यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं करता तो अच्छा लगता है हमको। हम लोग तो इसके लिए जो जरूरी चीज है कहते रहते हैं और हम फिर देखेंगे भी। सर इसे गंभीरता से देखिए, बहुत गंभीर। हाँ, सही कह रहे हैं सर, ये ठीक नहीं है। पढ़ाई का नहीं होगा, बताइए, हमको तो विकसित तक करना है जी। इतना अच्छा है सेशन का है, लेट क्या हो रहा है? हम तो जाके पूछताछ करेंगे। तो आपने सुना, नीतीश कुमार ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, सेशन लेट का जो मामला लगातार उठ रहा था, ऐसे में नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जल्द से जल्द इस पर भी बैठक करने वाले हैं और जल्द से जल्द निर्णय लेने वाले हैं। हमने जो है गवर्नर से भी बातचीत कर ली है, यानी कि अब शिक्षा व्यवस्था में जो चौपट स्थिति हो रही थी वो अब सुधारे जाने को लेकर के नीतीश कुमार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जल्द से जल्द शिक्षा व्यवस्था और सेशन लेट का सुधार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।